अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ज़ीनुलई खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत बहुत टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद आप लोगों के साथ कोई ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और ये भी कोई अभी का आज का ब्लॉग नहीं है, इसको भी टाइम हो गया है इस ब्लॉग को, बट मैंने सोचा क्यों ना इसको एडिट करके आपके साथ शेयर किया जाए। तो ये यहाँ पर 2 kg से ज़्यादा चिकन है और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी चिकन एंड कुछ मीठे में भी बनाने का प्लान है। तो यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से साफ़ कर लिया है, देन यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ चिकन। तो यहाँ मैंने ये प्याज की ग्रेवी कर लिया और उसमें मैं ये सारे पाउडर मसाले ऐड कर रही हूँ। तो ये धनिया पाउडर डाल दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ हल्दी डाल दूँगी मैं, देन नमक और रेड मिर्च पाउडर डाल दूंगी। और आप लोग बताइए कैसे हो आप लोग और कैसे जा रहे हैं आपके ये दिन। कुछ करने को नहीं होता है आजकल, तो बहुत ज़्यादा मैं बोर हो रही हूँ घर में ही, कहीं बाहर जाते नहीं हैं हम लोग, बस घर में यही बना लेते हैं अच्छा अच्छा खाना और बस यही इंजॉय करते रहते हैं। तो यहाँ देखो चिकन की ग्रेवी मैं भून रही हूँ इसको, और मेरा कैसा है ग्रेवी में 45 मिनट तक ऑलमोस्ट भूनती हूँ, तभी ना उसमें जो भी ग्रेवी वाली चीज़ आती है उसमें टेस्ट आता है। साइड बाय साइड मैं यखनी बना रही हूँ, यहाँ पर चिकन, आधा चिकन मैंने ले लिया था यहाँ पर, तो यखनी बना रही हूँ। और बिरयानी बनाऊँगी तो यखनी पहले बना ले रही हूँ साइड में, और साथ ही साथ मैं मसाला भी भूनती जा रही हूँ चिकन का। और मेरा होममेड गरम मसाला ख़त्म हो गया था, तो एक साइड मैंने यहाँ पर मसाले की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। ये ड्राई मसाले सारे पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ, ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं इसका पाउडर फॉर्म में बना लेती हूँ ग्राइंड कर कर। तो यही मैं बना रही हूँ क्योंकि चिकन में भी डलता है एंड देन बिरयानी में भी डलता है, तो बना कर रख लेती हूँ मैं। तो यहाँ मेरी यखनी कंप्लीट हो गई है और यहाँ मेरा मसाला भी साइड बाय साइड भुन रहा है। तो ऐसा है कि कुछ करने को होता नहीं है घर में, बस अच्छा अच्छा खाना बना रहे हैं और घर में ही रह रहे हैं, बाहर जाने का कोई सीन होता नहीं है क्योंकि बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ ना। मैं इनको मना करती हूँ कुछ भी बाहर से मत खाओ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मन भी होता है कभी कभी कुछ खाने का, तो फिर मोस्टली लेकिन कोशिश करते हैं घर में ही हम लोग बनाएं और अच्छा अच्छा खाएं। तो ये मेरा चिकन बन गया है और कुछ मेरे यहाँ गेस्ट भी आए थे, तो ये इसलिए हम लोग यहाँ पर ये सब कुछ बना रहे हैं। तो सुबह से ही मैंने ये सब कुछ बना कर रख लिया है क्योंकि मुझे शाम को, मतलब दोपहर से ही बहुत सारी वीडियो की शूट करनी है, तो सुबह से मैं बना लेती हूँ ये सारी चीज़ें, तो शाम को फ्री रहती हूँ तो बहुत सारी वीडियो शूट कर लेती हूँ। क्योंकि मेरा चैनल ब्लॉगिंग के अलावा मुझे रिव्यू वीडियो एंड मेकअप वीडियो शूट करने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें साइड बाई साइड में कर लेती हूँ। तो सुबह मैंने ये सारी प्रिपरेशन करके रख ली थी। Oh, oh, oh.
खाना सारा बन गया था, देन मैं मीठे में यहाँ बना रही थी। मेरे हस्बैंड को फ्रूट रायता बहुत बहुत अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पर फ्रूट रायता बना रही हूँ। तो ये यहाँ पर 1/2 kg है दही, इसी के साथ मैं फ्रूट रायता बना रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा दही निकाल दिया था, क्योंकि बिरयानी के लिए रायता बनाया जाता है, प्याज वाला रायता, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना होता है, देन मैं इसको एक स्पैचुला की हेल्प से मिक्स कर रही हूँ। इसमें मैंने दूध डाल दिया है, फ्रूट रायते में मैं दूध भी डालती हूँ, और एक हैंड ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर दूँगी। बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड करना होता है फ्रूट रायते को, और जो भी आपके फेवरेट फ्रूट्स होते हैं वो आप डाल सकते हो। तो बहुत सारे फ्रूट्स हमने डाले थे, ऑलमोस्ट ये जो आप पॉट देख रहे हो ये फुल भर गया था फ्रूट रायते का पॉट, और हम लोगों ने इसको 2 दिन तक खाया था, क्योंकि ये ख़राब तो होता नहीं है, फ्रीज़र में आप रख कर इसे खा सकते हो। तो इसमें मैंने डाला है काला नमक, ज़ीरा पाउडर, और ये चाट मसाला। चाट मसाला डालिए, बहुत बहुत टेस्ट आता है इससे, और स्पेशली जो चाट मसाला होना चाहिए वो एवरेस्ट का होना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है चाट मसाला। और ये यहाँ पर भुना हुआ ज़ीरा मैं डाल रही हूँ, और ये थोड़ा सा वाइट वाला नमक है, ये भी अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने पाउडर शुगर कर लिया था, और ग्राइंड कर ली थी मैंने पाउडर शुगर, तो ऑलमोस्ट इसके 6 to 7 spoon डालूंगी मैं, तो ये सही रहता है। और आप कोशिश करिए पाउडर शुगर ही डालिए इसमें, क्योंकि फिर वो जो बड़ी बड़ी वाली शुगर होती है तो वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाती है। देन मैंने इसमें केले डाल दिए हैं, और सेब डाल रही हूँ मैं, और आम था, और इसमें आप लोग पेठा ज़रूर डालिए, क्योंकि जो फ्रूट रायता होता है उसमें पेठे का टेस्ट बहुत ही यमी आता है। और ये देखो सब कुछ डाल दिया, और ये आप फुल ऊपर तक पॉट मेरा भर गया है ये, और यहाँ मैंने अनार डाल दिए, देन मिक्स कर दिया है, और इतना डिलीशियस जितना आपको दिख रहा है उतना ज़्यादा खाने में भी डिलीशियस था। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीनू लाइफस्टाइल। और जैसे कि मैंने अपना लंच बना लिया है, और लंच में मैंने चिकन, चिकन बिरयानी और फ्रूट रायता बनाया जो ऑलरेडी आप देख चुके हो। और अभी जो टाइमिंग हो रही है 12:30 बज रहे हैं, मैंने अभी शावर भी ले लिया है क्योंकि मुझे वीडियोस के लिए रेडी होना है। बाल भी ऑलमोस्ट सूख गए हैं और बस स्ट्रेटनिंग करनी है बालों में। वैसे तो मेरे बाल स्ट्रेट हैं, लेकिन वीडियो में एकदम परफेक्ट दिखना होता है, तो इसलिए तो जस्ट मैंने अभी अपने कपड़ों को आयरन कर लिया है, तो मैं बैठ गई हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ अपनी स्ट्रेटनिंग कर लूँ बालों में, और बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। लिटरली मेकअप करने के बाद तो समझ भी नहीं आता है, मुझे रिव्यू वीडियो शूट करनी है तो उसी के लिए रेडी होना है। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है अपने फेस पर, और जस्ट मैंने अभी कपड़ों को यू नो आयरन कर कर रखा हुआ है, जो भी मुझे अभी वीडियोस के लिए कपड़े पहनने हैं तो मैं आयरन कर लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लगता है अगर वीडियो में दिख जाएँ कुछ तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं कपड़े, यू नो जैसे उस पर रिंकल पड़े होते हैं, मुझे बिल्कुल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, नहीं ख़राब से। इसलिए मैं अभी जस्ट आयरन कर कर बैठी हूँ, और मेरे आप बाल देख लो कैसे लग रहे हैं। और मॉर्निंग के टाइम क्या होता है ना, लाइट बहुत अच्छी आती है फेस पर। तो सारे कपड़े निकाल लिए हैं अभी, तो मैंने जो सोचे हैं 2-3 ही निकाल के रखे हैं। अब मैं जल्दी से चेंज कर लूँ, मेकअप करने हैं, रिव्यू वीडियो शूट कर रही हूँ। मेकअप वीडियोस नहीं है, रिव्यू वीडियोस हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छी लगेंगी वो वीडियोस। चलो तो मैं बातें करूँगी तो मैं बहुत लेट हो जाऊँगी, चलिए फिर मैं मेकअप कर लेती हूँ पहले। तो चलिए दिखाती हूँ कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है रिव्यू वीडियोस के लिए, इतना तैयार वैयार होकर बैठना पड़ता है। और मैं यहाँ अपना वीडियो में रिव्यू वीडियो में रिव्यू कर रही हूँ किसी चीज़ के लिए, फाउंडेशन का आई थिंक रिव्यू कर रही हूँ। तो ये वीडियो मेरे सारे एडिटिंग पर हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बिहाइंड द सीन भी दिखाया जाए कि मैं कैसे करती हूँ। और ये देखो पता नहीं किसी चीज़ की मुझे आवाज़ आ रही थी तो मैं वेट कर रही थी, मुझे बहुत गुस्सा भी आ रही थी, क्योंकि जब हम लोग वीडियो शूट करते हैं तो बाहर से बहुत आवाज़ें आती है, तो थोड़ा वेट भी करना पड़ता है कि ये कुछ आवाज़ बंद हो जाए देन हम फिर शूट करें, तो ऐसा रहता है। तो इस दिन मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 शूट किए थे, और कोई ना कोई आ ही जाता है जब शूट करने को बैठती हूँ मैं। और इसके बाद ये देखो बाल सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं शूटिंग के टाइम पर, तो ये मेरा दूसरा आउटफिट है। और मैंने यहाँ आई मेकअप चेंज नहीं किया है, रिव्यू वीडियो में ऑलमोस्ट होता क्या है मैं मेकअप
आई मेकअप मेरा वो ही रहता है, और मैं जो रिव्यू करती हूँ वो चीज़ें चेंज हो जाती रहती हैं, ईयरिंग्स वगैरह चेंज होते रहते हैं, तो ऐसे ही चलता रहता है हम यूट्यूबर्स का। और बड़ा मज़ा आता है शूट करने में सारी चीज़ें, और यही सब है। आप लोग भी इन्जॉय कीजिए मेरा वीडियो। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं एक वीडियो शूट कर रही हूँ, और वो वीडियो आपको मिल जाएगा, सेपरेट आने वाला है या आ चुका होगा, ये ब्लॉग बाद में आएगा क्योंकि आजकल मैं ब्लॉगिंग बहुत ही कम कर रही हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। और जैसे कि बैकग्राउंड देखकर पता चल रहा होगा, मैं मम्मी के घर पर हूँ अभी, और मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उनको टेक केयर कर रही हूँ यहाँ पर। और तो मैंने सोचा कि जब तक इस पैक को सूखने में 30 मिनट हैं, मतलब 15 to 20 मिनट हैं, ये वाला फेशियल यूज़ किया है मैंने, गुड वाइब्स का एलिमिनेटिंग पर्ल फेशियल किट, और बहुत ही अच्छा है। तो जब तक ये सूखता है तो मैं जब तक कुछ खा पी लेती हूँ, क्योंकि भाई हम यूट्यूबर्स को छोटी छोटी भूख लगती रहती है, क्योंकि जब हम लोग वीडियोज़ में बिजी हो जाते हैं तब हम लोगों को भूख लगती रहती है, तो छोटी मोटी भूख, क्योंकि मैं बहुत देर से शूटिंग कर रही हूँ, मैंने अभी 2-3 वीडियोज़ शूट कर लिए हैं, और मैं अपने चिप्स एंजॉय कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई येलोइश क्यों लग रहा है पूरा कैमरा। तो हम लोग को ऐसे ही टाइम बीच बीच में से चुराना पड़ता है कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि बहुत देर से शूटिंग कर रही थी बैठी बैठी, तो थोड़ी सी भूख लगाई तो मैंने कहा चिप्स खा लेते हैं। खाना बना लिया है ऑलरेडी, क्योंकि फिर शूटिंग करते करते टाइम पता नहीं चलता है और बहुत टाइम हो जाता है, तो खाना मैं बना कर ही, स्पेशली वीडियोज़ जिस भी दिन शूट करनी होती खाना मेरा पहले बन जाता है, उसके बाद ही मैं लेकर बैठती हूँ। तो ये आजकल ये बहुत ही टेस्टी टेस्टी से ड्रिंक आते हैं, मेरे हस्बैंड ने कंटेनर भरकर ये लेकर आए हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं, और जस्ट 10 रुपीज़ के ये जूसेस हैं, और इसमें सारे मतलब फ्लेवर वाले ड्रिंक हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसमें सारे फ्लेवर आते हैं, लीची, स्ट्रॉबेरी एंड और कौन सा वाला, मतलब बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, अभी देखो मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, और मतलब फेवरेट मेरा ये स्ट्रॉबेरी वाला है। तो अगर आपको कुछ भी अच्छा सा मतलब मन आपका कर रहा है कुछ भी पीने का जूस कोई सा भी, तो आप इस तरह से ये फ्लेवर वाले जूस आते हैं तो आप पी सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि जब मैंने इसको पीना स्टार्ट किया, जब मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम इसको लेकर आए, तो मैं इसकी फ़ैन बन गई, फिर मैं यही इतने सारे मंगाती रहती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कितने सारे हैं मेरे पास, वेट ये देख लो, अभी मेरे जस्ट अभी मेरे फ्रिज में अभी यही डले हैं, ये भी स्ट्रॉबेरी वाला है, एकदम चिल्ड है तो, और ये है गुआवा, ये देखो ये गुआवा वाला है, एंड ये मैंगो है, तो ये सारे फ्लेवर में आते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये पीने में, कोई नहीं है। तो मेरे चिप्स बहुत फेवरेट हैं, मतलब चिप्स से मुझे बहुत प्यार है, इतनी मतलब चॉकलेट अच्छी लगती है लेकिन ना एकदम से मीठा मीठा खाकर ना मन एकदम इरिटेट सा हो जाता है, चॉकलेट मतलब मुझे मीठा पसंद है इतना नहीं, बट नमकीन और वो चिप्स, चिप्स के लिए मैं क्रेजी हूँ, आई लव चिप्स। और अभी इतने ढेर सारे चिप्स के पैकेट्स रखे हैं, तो किस कमेंट करके बताना किस किस को चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो बज रहे हैं 9, और मैंने 1 घंटे पहले शूट ख़त्म कर दिया था मैंने, और उसके बाद हस्बैंड का कॉल आ गया कि वो ऑफिस से आने वाले हैं, तो फिर मैंने अपना सब सेटअप बंद कर दिया और मेकअप वेकअप उतार कर बैठ गई फिर मैं। और मैंने जब से लॉकडाउन हुआ है, मतलब मार्च अप्रैल मई जून, मतलब 3 महीने समझ लो, 3 महीने से पिज़्ज़ा नहीं खाया है, तो इतना मन कर रहा था मेरा, आज शूटिंग में भी मन नहीं लग रहा था, बहुत मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने इनसे बोला कि आप ऑर्डर कर दो, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी, ऑर्डर नहीं हो रहे थे यार ज़ोमैटो पर। और फिर अभी गए हैं ये,
पिज़्ज़ा लाने के लिए, तो मुझसे वेट नहीं हो रहा है और इतना लेट कर दिया, फिर डिनर का भी टाइम हो रहा है और पता नहीं कब लाएंगे, लेकिन पिज़्ज़ा है क्योंकि पिज़्ज़ा की जो मैं बहुत 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 बड़ी वाली फ़ैन हूँ, और अब इतनी देर से इनका वेट कर रही हूँ, आ जाएं ये। और हालत देखो कैसी हो गई है मेरी, इतनी थकी थकी फील कर रही हूँ। और मेरा पिज़्ज़ा है जो आ गया है। Here's my pizza. खोलो से। मैं अपना पिज़्ज़ा इंजॉय कर लूँ और ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।